गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स माई सेल्फ रवि कुमार लेक्चरर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग जी पी सी डूंगरपुर आज की इस वीडियो में हम पी एच पी एंड माई एस का टू थाउजेंड सिक्सटीन का पेपर डिस्कस करेंगे इसमें हम स्टार्टिंग के जो थर्टी क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव वो डिस्कस करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन है डायनेमिक वेब पेजेज डायनेमिक वेब पेजेस क्या होते हैं डायनेमिक वेब पेज जनरेट्स ऑन डिमांड बाय ए प्रोग्राम और रिक्वेस्ट बाय यूजर यूजर की आवश्यकता के हिसाब से बदलते रहते हैं डायनेमिक वेब पेजेज तो ऑप्शन बी सही है ए ऑप्शन में दे रखा है इज सेम एवरी टाइम वेन एवर इट डिस्प्लेज तो ये गलत है ये स्टेटिक वेब पेज होता है एक ही पेज बार बार दिखाई देता है स्टेटिक में जो डायनेमिक में क्या होता है यूजर की आवश्यकता के अनुसार बदलता रहता है स्टेटिक वेब पेज के अंदर डेटाबेस नहीं होता है कोई जरूरत नहीं होती है जबकि डायनेमिक वेब पेज के अंदर डेटाबेस की ज़रूरत होती है स्टैटिक वेब पेज के अंदर पीएचपी की भी ज़रूरत नहीं है सिंपली एच के अंदर बनाया जा सकता है जबकि डायनेमिक वेब पेज के अंदर पीएचपी जरूरी है बिना पीएचपी के हम सिंपली एच को यूज़ करके हम डायनेमिक वेब पेज नहीं बना सकते क्वेश्चन नंबर टू है निम्न में से सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग भाषा है तो PHP, ASP और JSP PHP हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर एक्टिव सर्वर पेजेज JSP जावा सर्वर पेजेज ये तीनों ही सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेज हैं और तीनों ही डायनेमिक वेब पेजेज बनाने के काम में आती है तो ये तो पी एच पी एस पी जे एस पी ये तो हो गई सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग क्लाइंट साइड जो होती है क्लाइंट साइड कौन सी रन होती है एच टी एम एल जावा स्क्रिप्ट वी बी स्क्रिप्ट कैस कैडेड स्टाइल सीट सी एस एस ये सारी लैंग्वेज क्लाइंट मशीन पर ब्राउजर के अंदर रन होती है थर्ड क्वेश्चन पी एच पी इज पी एच पी है फर्स्ट ऑप्शन सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज सही है पी एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है सेकेंड ऑप्शन ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी सही है ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी है पी थर्ड ऑप्शन है यूज टू डेवलप डायनेमिक वेब पेजेज ये भी सही है डायनामिक वेब पेजेज बनाने के काम में आती है तो डी ऑप्शन सी हो जाएगा ऑल ऑफ द अबू फोर्थ क्वेश्चन है विच ऑल द फॉलोइंग इज क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज तो जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया जावा स्क्रिप्ट और वी बी स्क्रिप्ट दोनों क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है ऑप्शन सी सही हो जाएगा बोथ ए एंड बी क्वेश्चन नंबर फाइव है पी एच पी प्रोग्राम चलाने के लिए निम्न में से कौन से सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है पी एच पी चलाने के लिए हम जैम्प यूज़ करते हैं एक्स ए एम पी जैम्प ए ऑप्शन सही होगा पी एच पी का पूरा नाम PHP का पूरा नाम है हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर ऑप्शन बी इज करेक्ट क्वेश्चन नंबर सेवन निम्नलिखित में से कौन सा कथन PHP में प्रिंट करने के काम में आता है तो PHP के अंदर प्रिंट करने के काम में इको इको काम में लेते हैं और प्रिंट भी लेते हैं दोनों काम में आते हैं इको और प्रिंट में डिफरेंस ये है कि प्रिंट है वो वन रिटर्न करता है और इको है वो कुछ भी रिटर्न नहीं करता है पी लैंग्वेज के अंदर जो वेरिएबल का नाम है वो किस सिंबल से स्टार्ट होता है तो पी में कोई भी वेरिएबल का नाम है वो डॉलर सिंबल से स्टार्ट होता है ऑप्शन डी सही है निम्नलिखित में से पी डेटा का प्रकार है तो पी में इंटीजर एरे और नल तीनों तरह तो के डेटा टाइप होते हैं तो डी ऑप्शन सही है ऑल ऑफ द बू टेंथ के अंदर एक प्रोग्राम दे रखा है उसमें इको करा रखा है फाइव मल्टीप्लाई बाई नाइन डिवाइड बाई थ्री प्लस नाइन तो इसमें ऑपरेटर प्रेसिडेंस के हिसाब से देखेंगे तो पहले मल्टीप्लाई कर देंगे नाइन को मल्टीप्लाई करेंगे फाइव से फोर्टी फाइव डिवाइड कर देंगे थ्री से फिफ्टीन प्लस नाइन ट्वेंटी फोर तो ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन ये हमें देखना है कि मल्टीप्लाई और डिवाइड ये दोनों का सेम प्रेसिडेंस होता है और प्लस और माइनस का सेम होता है लेकिन प्लस और माइनस है उनको बाद में कैलकुलेट करते हैं जबकि मल्टीप्लाई और डिवाइड को पहले करते हैं क्वेश्चन नंबर इलेवन है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज यूज्ड टू क्रिएट एरे इन पीएचपी एच के अंदर एरे बनाने के लिए पास है. हमारे पास एरे फंक्शन होता है ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन ये इनबिल्ट फंक्शन हमारे पास एरे क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व है विच फंक्शन काउंट्स एलिमेंट्स इन पी एच एरे पी के अंदर एरे बनाते हैं उसके एलिमेंट्स काउंट करने हैं तो उसके लिए हमारे पास इनबिल्ट फंक्शन होता है काउंट ए ऑप्शन इज करेक्ट क्वेश्चन नंबर थर्टीन है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट रिलेटेड टू एरे सोर्टिंग इन पी एच के अंदर एरे को सोर्ट करने के लिए कौन सा फंक्शन नहीं होता है तो आर सोर्ट R -sort होता है, वो क्या करता है रिवर्स सोट करता है ए आर सोट ए आर सोट क्या करता है Associative array को अकॉर्डिंग शोट करता है डी ऑप्शन सोटिंग सोटिंग नाम का कोई फंक्शन पीएचपी में नहीं होता है क्वेश्चन नंबर फोर्टीन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू पीएचपी एरे इंडेक्स ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम जीरो पीएचपी के अंदर जो एरे होता है इंडेक्सड एरे उसमें चाहे पी एच पी हो चाहे कोई भी लैंग्वेज हो एरे है उसका इंडेक्स हमेशा जीरो से स्टार्ट होता है पी एच पी के अंदर एक दूसरा एरे और होता है उसको बोलते हैं एसोसिएटिव एरे एसोसिएटिव तो एरे के अंदर क्या होता है इंडेक्स होता है उसमें जीरो वन टू थ्री नहीं होके उसमें उनका नाम होता है की होती है तो नाम क्या होता है नाम होता है स्ट्रिंग तो बी ऑप्शन भी सही है पी एच पी एरे इंडेक्स में भी स्ट्रिंग स्ट्रिंग भी हो सकता है तो ए और बी दोनों तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा बोथ ए एंड बी क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज यूज टू सॉर्ट एन एरे इन डिसेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग घटते हुए क्रम में तो घटते हुए क्रम में करना है तो आर सॉर्ट रिवर्स सॉर्ट कर देंगे क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट पेयर करेक्ट पेयर कौन सा नहीं है तो पी के साथ में माई काम में लेते ही हैं ए के साथ में एस सर्वर लेते हैं पी के साथ में एक्सेस एम एस एक्सेस को भी काम में ले सकते हैं तो करेक्ट पेयर नन ऑफ द गो विच ऑफ द फॉलोविंग इज नॉट ए डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम कौन सा नहीं है माई एस क्यू एल भी डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम है एस क्यू एल सर्वर भी है और एम एस एक्सेस भी है पी एच पी है वो एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है इसलिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर एटीन विच ऑफ़ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर कुकीज़ कुकीज के लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है तो कुकीज़ क्या करती है ट्रे करती है वेबसाइट की एक्टिविटीज़ को स्टोर करती है क्लाइंट कंप्यूटर पर स्टोर होती है और सेट कौन होता है कहता है सर्वर तो कुकीज़ देखो कौन करता है सेट कौन करता है सर्वर और सेट होती है कहाँ पर है क्लाइंट के कंप्यूटर और ब्राउजर के अंदर और क्या ट्रे करती है वेबसाइट की एक्टिविटीज़ को तो क्वेश्चन नंबर एटीन में डी ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर नाइनटीन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ कुकी कौन सा टाइप नहीं है तो कुकीज है वो परसिस्टेंट भी उसका टाइप होता है ट्रांजिएंट भी होता है थर्ड पार्टी भी लोकल स्टोरेज टाइप की कोई कुकी नहीं होती है तो ऑप्शन सी हो जाएगा विच ऑफ़ द फॉलोइंग स्टेटमेंट यूज टू गेट द वैल्यू ऑफ कुकी कुकी वैल्यू कैसे तो कुकी की वैल्यू होती है वो डॉलर अंडरस्कोर कुकी वेरिएबल है उससे लेते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज यूज टू डिलीट कुकीज़ तो कुकीज को सेट करना हो चाहे डिलीट करना हो एक ही फंक्शन होता है सेट कुकी सेट कुकी के अंदर ही टाइम एक्सपायरी टाइम है वो डाल देंगे तो डिलीट हो जाएगी तो सेट कुकी फंक्शन काम में आता है सेट करने के डिलीट दोनों काम में सेट कुकी फंक्शन इज यूज टू सेट कुकी डिलीट कुकी सी ऑप्शन ही हो जाएगा सेट कुकी फंक्शन है वो दोनों काम में आता है कुकी को सेट भी करता है और डिलीट भी इसी फंक्शन से कर देते हैं हम माई एस क्यू एल बाई एस क्या है एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है सी ऑप्शन सी हो जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एस क्यू एल फंक्शन एस क्यू एल फंक्शन कौन सा नहीं है तो काउंट मैक्स और मिन ये तीनों एस क्यू एल के फंक्शन है जबकि सेलेक्ट ये तो क्यूरी का एक पार्ट होता है इसके डी ऑप्शन सही हो जाएगा विच ऑफ़ द फॉलोइंग एस क्यू एल स्टेटमेंट इज यूज टू इंसर्ट न्यू डेटा इन ए डेटाबेस डेटाबेस के अंदर नए डेटा इंसर्ट करने है, तो उसके लिए इंसर्ट इन टू स्टेटमेंट काम है लेते हैं ए ऑप्शन सही है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स वाट डज एस क्यूएल स्टैंड फॉर एस क्यूएल की फुल फॉर्म क्या होती है स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज ए ऑप्शन सी हो जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल डिस्प्ले ऑल द डेटा फ्रॉम अ टेबल नेम्ड पर्सनस एक पर्सनस नाम की एक टेबल है उसके अंदर से सारी डेटा है उनको डिस्प्ले कराना तो क्या क्यूरी लगाएंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम परसन सेलेक्ट स्टार स्टार का मतलब क्या होगा जितने भी उसमें कॉलम है वो सारे डिस्प्ले हो जाएंगे और पर्सन क्या है टेबल का नाम है तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर डेटा बेस्ड ट्रीगर डेटा बेस ट्रीगर के लिए क्या होता है एक तो डेटा बेस ट्रीगर है वो मेंटेन करते हैं इंटीग्रिटी डेटाबेस के साथ में और बी ऑप्शन है एग्जीक्यूटेड ऑटोमेटिकली ऑन डेटा बेस ये क्या करते हैं डेटा बेस अपडेट होने पर ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होते हैं तो ए और बी दोनों सही है एक तो इंटीग्रिटी मेंटेन करते हैं डेटा बेस की और अपडेट होने पर ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होते हैं तो सी ऑप्शन सी हो जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डी एम एल डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज तो दो तरह की लैंग्वेज होती है डेटा डेफिनेशन और डेटा मैनिपुलेशन डेटा डेफिनेशन में आता है जो डेटा को डिफाइन करने के लिए काम में आता है वो स्टेटमेंट्स और मैनिपुलेशन में जो मैनिपुलेट करते हैं तो इंसर्ट अपडेट और डिलीट ये तीनों जो स्टेटमेंट है वो क्या करते हैं जो डेटा है उनको मैनिपुलेट करते हैं जबकि क्रिएट है जब वो क्रिएट करता है तो क्रिएट है वो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज का स्टेटमेंट है और इंसर्ट अपडेट डिलीट तीनों है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज तो ऑप्शन डी हो सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर थर्टी है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट रिलेटेड टू पी एच पीज एस क्यू एल ए पी आई पी एच पी की जो एस क्यू एल ए पी आई है ए पी आई क्या होता है एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस तो उसका स्टेटमेंट नहीं है तो माई एस क्यू एल अंडर स्कोर कनेक्ट है वो एस क्यू एल का फंक्शन होता है माई एस क्यू एल अंडर स्कोर सेलेक्ट अंडर स्कोर डी बी भी फंक्शन होता है माई एस क्यू एल अंडर स्कोर क्लोज भी होता है इको है इको क्या प्रिंट कराने के लिए काम में आता है ये पी एच पी का है तो ये एस क्यू एल ए पी आई का फंक्शन नहीं है तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा